नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आज का? काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमने पिछले वाले उसमें लेक्चर में क्या था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव करी गई। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस इक्वेशन PV दैट इज इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर बार। ओके, P तुम्हें पता है क्या है? प्रेशर। V इज द वॉल्यूम। जो N यहाँ पे हम ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर होंगे उसको हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। फिर उसके बाद M क्या हो गया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। M इज गोइंग टू बी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एक स्पेशल जो यहाँ पे हम ले रहे हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे दैट इज यू स्क्वायर बार। यू स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसको टर्म करते हैं हम एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, देन वी नो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे देते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². सो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 1/2 mv² जब हम ले रहे हैं तो हम एक मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं। सो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 m व्हिच इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू u स्क्वायर बार व्हिच इज अगेन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी की वैल्यू क्या ली थी हमने? 1/3 mnu² और पीवी को अगर हम इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते बाय 2, राइट? सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं बाय 2 और डिवाइड भी कर रहे हैं बाय 2। सो अगर मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड कर ले तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 1/2 mnu². ओके, 1/2 mnu² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2/3 Ek, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना 1/2 mnu². क्या किया हमने यहाँ पे कि हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन दी है, राइट? और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको सिंपली हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 के साथ ही डिवाइड कर दिया है, नॉलर वॉइड हो जाता है ना। तो दिस इज जस्ट used to derive the formula. तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2/3 into 1/2 mnu². 1/2 mnu² क्या है? That is equal to average kinetic energy. तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, PV is equal to 2/3 Ek. According to gas equation, PV is equal to RT. तो PV की जगह हमने क्या ले लिया? RT. So RT will be equal to what? 2/3 Ek, right? अब Ek क्या हो जाएगा? 3/2 RT. 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, so Ek is equal to 3/2 RT for 1 mole. Clear? और n moles के लिए क्या आ जाएगा? 3/2 nRT for n moles. अब अगर हमें number of molecules जो है वो Avogadro's number ले रहे हैं और हमें 1 मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 1 मॉलिक्यूल की हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइडेड विद एवोगैड्रोस नंबर 3/2 r/n0 × t. ये जो r/n0 है इसको हम kb के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और kb क्या है यहाँ पे? इट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आर इज अ, हम बोल रहे हैं कि आर पॉन एन नॉट इज के बी, यही बोल रहे हैं ना। अब हमें पता है कि आर की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, एन नॉट की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, राइट? सो आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई, एन नॉट की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट हो गई, तो इन दोनों को जब हम लोग इकट्ठे रख रहे हैं तो हमने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया kb, which is equal to Boltzmann constant. ये derivation important है, आ जाती है ये. So have you understood? एक बारी दोबारा से देखनी है. So दोबारा से देखो क्या बोल रहे हैं कि kinetic gas equation जो है that is pv is equal to
1 by 3 mu square bar, जहाँ पे n जो यहाँ पे हमने दिया है, that is number of molecules, n is the mass of one molecule, u square bar is the root mean square velocity, ठीक है? Now average kinetic energy of molecules हम किस तरह से देते हैं? कि E के that is equal to 1 by 2 mu square. Basically kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. पर यहाँ पे हम बहुत सारे molecules को consider कर रहे हैं, तो इसलिए 1 by 2 mu square bar. ये ले लिए हमने kinetic energy. Now according to the kinetic gas equation, PV is equal to 1 by 3 mu square. So हमने right hand side को 2 से divide कर दिया है और 2 से ही multiply कर दिया है. जब 2 से divide कर देते हैं, 2 से multiply कर देते हैं, तो ये 2 by 3 E के आ गया, ठीक है? PV is equal to RT. So RT आ गया 2 by 3 E के. E के is equal to, यहीं से हमने derive करा है, E के is equal to 3 by 2 RT for 1 mole. So E के क्या आ गया? 3 by 2 nRT for n moles. और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना है, तो हमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. So 3 by 2 RT divided by n naught. Now R is a constant, n naught is a constant, तो उसको एक नया टर्म दे दिया हमने, which is KB, and KB that is known as the Boltzmann constant. Right? So this derivation that is going to be important. Now already हम लोगों ने कर लिया था कि kinetic gas equation या kinetic molecular theory of gases ने सारे के सारे laws को बहुत अच्छे से explain किया. ये हम पिछले वाले lecture में कर चुके हैं. Okay? अब हम क्या बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी होती है. क्यों? जैसे अगर सपोज हमने एक बिलियर्ड्स की गेम देखी है ना, बिलियर्ड्स या पूल, बॉयज को ज्यादा पता होगा बट गर्ल्स को भी पता होना चाहिए. इट्स अ पूल टेबल, ग्रीन कलर का एक टेबल या रेड कलर का टेबल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बॉल्स रखे रहते हैं. ओके, अब उस बॉल को हम स्टिक के साथ मारते हैं, होगा क्या? जैसे हमने मार्बल्स का एग्जांपल किया था, अब जब हम उसे स्टिक के साथ मारेंगे तो जो बॉल दूसरे बॉल को हिट कर रहा है, पहले जो बॉल जा रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है? उसने दूसरे बॉल को हिट किया तो दूसरे बॉल की वेलोसिटी v2 हो गई, तो फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना, इट विल नॉट रिमेन द सेम. तो उसी तरह के गैसेस में भी यही होता है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कुछ की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ की वेलोसिटी जो है वो सेम भी रह सकती है. तो हम वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल की, एक गैस के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं ले सकते. उसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, जिसने जो स्पीड्स थी मॉलिक्यूल्स की इनसाइड अ गैस उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो लेट्स सी व्हाट ही डिड विद द स्पीड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स. राइट, सो ये एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी करी. अब अकॉर्डिंग टू हिम इसने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी जिसमें उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन पर सेंटीमीटर. राइट, सो ग्राफ जब उसने देखा तो ग्राफ कुछ इस तरह से लगता है. ओके, अब इसको ग्राफ को पहले समझो कि ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स है. राइट, सो यह जीरो से शुरू हो रही है स्पीड और इंक्रीज होती जा रही है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसकी इस तरह से स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लग गई. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि अगर हम ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट वेरी लो स्पीड्स, ठीक है, ये हमने ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट वेरी लो स्पीड्स, तो हम देख रहे हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम है. नहीं, राइट, पहले समझो फिर उसके बाद लिखना. सो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, उसी तरह से ये स्पीड इंक्रीज कर रही है ना, सो ये हाई स्पीड्स आ गए. अब हाई स्पीड्स पे भी अगर हम देखें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड्स इज आल्सो वेरी लेस. तो मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली एक स्पीड आ रही है. ओके, तो इस स्पीड को जो
मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, इसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, विच मीन्स कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ये स्पीड है, इसलिए हम एक जनरलाइजेशन दे देते हैं पूरे मॉलिक्यूल्स की कि शायद पूरे मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये हो, राइट? तभी हम इसे नाम भी वही दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कि मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स उनकी ये वाली स्पीड है। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन दिस मैक्सवेल ने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट पॉइंट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आपने सिर्फ लिखने हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड very low speed is very less. यही पढ़ा ना हमने कि fraction of molecules having very high speed and very low speed is very less. ठीक है, so fraction of molecules possessing high speeds, fraction of molecules possessing very high speeds keeps on increasing, यही हो रहा है, increase होते जा रही है fraction of molecules having very high speed and then suddenly it decreases, ठीक है, and then decreases, ठीक है? So the speed occupied by maximum fraction of molecules is called most most probable speed, और उसको हम denote कैसे करते हैं, UMP, U is taken as speed and MP as most probable, ठीक है? अब अगर हम बोले कि हमने temperature increase कर दिया, let's say this is the speeds what we are looking at temperature T1, जब हम temperature increase करते हैं तो क्या होता है, kinetic energy increase हो जाती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भगदड़ मच जाएगी, वो ज्यादा स्पीड के साथ भागने दौड़ने लग जाएंगे, ठीक है? उसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मॉलिक्यूलर स्पीड भी इंक्रीज होगी, और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी एक जैसी स्पीड थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वही हुई ना जो एक जैसी स्पीड है, तो जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जिन मॉलिक्यूल्स की एक जैसी स्पीड हुई उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली जो पीक है आपकी ये थोड़ी कम ब्रॉड है, नैरो है, वेयर एज यहां पर T2 पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो ये कर्व है ये ब्रॉड हो गया। तो अब इन दिस केस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी, ये वाली। सो द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फ्रैक्शन है दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर हो गया पक्का से? अब इसी के बेसिस पे मैक्सवेल ने तीन तरह की स्पीड जो थी वो डिफाइन कर, कौन कौन सी है इन तरह की स्पीड उसने डिफाइन कर दी, पहली ऑलरेडी हमने पढ़ ली, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP, और डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, इट इज द स्पीड ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
maximum fraction of molecules. The second kind of speed is average speed, UAV, average speed. ठीक है, अब average speed क्या होगी? That is going to be the average speed of all the molecules. जितने भी molecules हैं उसकी average speed. Suppose हम बोल रहे हैं U1 is the speed of the first molecule, second molecule, third molecule, ऐसे करके UN divided by total number of molecules. This is the average speed. ठीक है, अब अगर हम fraction of molecules यहां पे consider करें कि U1 जो है वो 10 molecules की speed है, U2 जो है वो 20 molecules की speed है. ठीक है, सो यू एवरेज फिर हमको निकालनी ज्यादा इजी हो जाएगी. लेट्स से N1 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड U1 है, उसी तरह से N2 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड U2, N3 मॉलिक्यूल्स उनकी स्पीड N3. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन. ठीक है, फिर एक स्पीड और जो हमने अभी पढ़ी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, काइनेटिक गैस इक्वेशन में पढ़ी है हमने अभी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर क्या मतलब हुआ? रूट का मतलब अंडर रूट, मीन का मतलब एवरेज, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर. सो इसको हम डिनोट करते हैं एज URMS. सो मैथमेटिकली URMS क्या हो गया? अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस बार डाल देना U2 स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय N. दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. बार नहीं भी डालोगे तब भी करेक्ट है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब अगर इस तरह से हमको करना है कि N1 की इतनी स्पीड, N2 की इतनी स्पीड, तो यहां पे हम क्या डाल देंगे? N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर प्लस N3 U3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. ठीक है, सो ये तीन तरह की स्पीड्स थी. अब एक और चीज भी बोली उसने कि जिसका मास कम होगा, जिस भी मॉलिक्यूल का मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी. जैसे हम कंसिडर करें दो मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन और क्लोरीन. अब नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 28, 14 × 2, और क्लोरीन का 71, 35.5 × 2, 71. सो इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? N2. जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा, मतलब द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इसी के बेसिस पे तीन रिलेशन और दे दिए. सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो हमने ऊपर करी है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. UMP इज इक्वल टू 2RT/m, जहां पे R क्या है? गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और m क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर मास. तो आप इससे देख लो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, और जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू 8RT/πm. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/πm. है क्लियर हो गया? अब इस वाले रिलेशन जो तीन रिलेशन दिए हैं इससे बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी वैल्यू आएगी? फर्स्ट थिंग है 2RT/πm,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है? 2 RT/m है, तो यू आर एम एस तो 3 RT/m है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2 RT, सबसे ज्यादा मास होगा उसी की स्पीड ज्यादा होगी ना, यू आर एम एस। नहीं, मास तो यहां हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम इसको भी कांस्टेंट रख रहे हैं, ये सारा कांस्टेंट रखते हैं, तो आप इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। अगर ये सारे सब में कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 8/π, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। सो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? अंडर रूट ऑफ 3 की ना, सो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। सो यू आर एम एस की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर यू एवरेज की, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम? सबसे छोटी यू एम पी 1 होती है उसकी, मतलब अगर आप रेशो लो इन तीनों का तो रेशो आ जाता है यू एम पी इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस दैट इज इक्वल टू 1:1.224 ये रेशो है इसकी। ठीक है, आ गया समझ? पक्का? ओके, सो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डिविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसमें कुछ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस क्या होते हैं और रियल गैसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये दो नए टर्म्स हैं जो कि हमको इस सेंटेंस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो सारे गैस लॉज को ओबे करेंगे एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। सो आइडियल गैसेस आर व्हाट? दोज गैसेस विच ओबे ऑल लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी कोई गैस है ही नहीं। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है हवा में है, हाइपोथेटिकल, राइट? उन्होंने हमने पढ़ा था ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर उन्होंने शो करा, उसके पीछे कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया नहीं था। ठीक है, सो जब हम प्रैक्टिकली इनको देखते हैं गैसेस के बिहेवियर को, तो सारी गैसेस इसको लॉ को भी, सारे लॉज को भी नहीं कर सकती। कुछ गैसेस किसी एक को करती है, दूसरे को नहीं करती। सो देयर इज ऑलवेज दिस डिफरेंस इन गैसेस। तो उन गैसेस को तो हम आइडियल गैसेस बुला रहे हैं, तो इसका मतलब सारी बाकी तभी नाम हम दे रहे हैं रियल गैसेस। तो रियल गैसेस क्या हुई? विच डू नॉट ओबे, दिस इज रियलिटी, ये है, और आइडियल गैसेस नहीं है, राइट? तो अब डिविएशन क्यों हो रहा है? अगर आपको याद हो तो हमने बॉयल्स लॉ में एक ग्राफ ड्रॉ करा था बिटवीन पीवी एंड पी, करा था, और वो जो ग्राफ था एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो जो आइडियल गैसेस होती हैं उनको ये वाला ग्राफ शो करना चाहिए, तभी वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। पर कुछ गैसेस को देखा गया कि वो पीवी के साथ किस तरह से बिहेव करती हैं, तो हम देखते हैं सबके ग्राफ कैसे आ गए। किसी का ग्राफ ऐसा आ गया, किसी का ग्राफ ऐसा आ गया। इस लाइन को मैं थोड़ा मोटा ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, जो ये वाला ग्राफ आया है ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आ गया,
उसी तरह से सीओ का ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो सीओ का ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है, और सीएच फोर का ग्राफ इस तरह से आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैसेस हैं हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीएच फोर, ये सारे के सारे डिविएशन शो कर रहे हैं। डिविएशन का होता है डिफरेंट बिहेवियर, तो वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं क्योंकि वो पीवी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है। सो हम बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन। और आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और सीएच फोर के ग्राफ को देखो तो पहले नेगेटिव की साइड को जा रहा है, नीचे की तरफ को। सो पहले वो दोनों नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं और फिर पॉजिटिव, वो दोनों तरह के डिविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। सो सच गैसेस विच शो डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, उसे हम क्या बुला रहे हैं, दे आर नोन एज रियल गैसेस, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। फिर उसके बाद किस तरह से हम लोग डिविएशंस मेजर करते हैं, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरिंग डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जनरली हम एक स्टेटमेंट पुट करते हैं कि जो गैसेस हैं वो एज रियल गैसेस बिहेव करती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। सो गैसेस दे बिहेव एज सॉरी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सो वी आर सेइंग दैट गैसेस दे आर गोइंग टू बिहेव एज आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए एक फैक्टर निकाल दिया गया विच वॉज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड के साथ डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड दैट इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरवी, राइट। This compressibility factor Z is equal to PV upon NRV. अब ideal gases के लिए अगर हम देखें for ideal gases Z is always equal to 1, क्योंकि अगर Z 1 होगा तो then PV will become equal to NRT and that is what the ideal gases say. ठीक है, सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो है फॉर आइडियल गैसेस वो क्या हो गया, इक्वल टू 1। नाउ अगर सपोज हम बोले कि दो कंडीशंस हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें दो कंडीशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं कि जेड इज लेस देन 1, तो z इज लेस देन 1 मतलब z कैन बी 0, z कैन बी नेगेटिव। सो अगर z 0 है और z नेगेटिव है तो गैसेस आर मोर कंप्रेसिव, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 1 देन गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल than expected from ideal behavior. Ideal behavior में हम लोग gases को compress नहीं कर सकते easily, ठीक है। So gases are more compressible than expected, ठीक है। और second, if z is greater than 1, so greater than 1 के लिए gases are less compressible than expected from ideal behavior. जैसे for example,
अगर हाइड्रोजन और हीलियम ले रहे हैं हम, Z is always greater than 1, positive deviation show कर रहा है ना ये, so hydrogen and helium, Z is always greater than 1, therefore these gases cannot be compressed easily, and they show the type of deviation जो ये show करेंगे, ठीक है, और Z is less than 1, किसके लिए देखा हमने, CO और CH4 के लिए, so Z is less than 1 for CO and CH4, तो ये कौन सी डिविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन। राइट,